बेबी खिड़की मत खोलो, बंदर है। अरे तो बंदर है तो क्या करेगा? बेबी यहाँ पे लिखा हुआ है कि खिड़की दरवाजे बंद रखें। हेलो हेलो, चल जाओ नहाने। क्या है बेबी, को बंदर से खेलना था। ये कैसा कैफे है? अरे मेरे को अंदर गए और बिल्कुल लगा मेरे को ऐसा लगा अंदर गाड़ी जा रही है। और आई स्वेयर बेबी मेरे को ऐसा लगा, मेरे को भी यही लगा कि कैसा टर्न है सीधा लेक के अंदर गाड़ी। देख देखो दिखाओ, बोटिंग भी हो रही है यहाँ पे। बोटिंग काई के बोटिंग करके अब नहीं करनी। दानिश ने जो बोटिंग कराई है ना, कि अगर इधर से भी उधर बैलेंस हिला तो मिले तो बोट सीधा उल्टी। कैफे से आए और तब से हम लोग अपने रूम में ही हैं। हालांकि प्लान ये था कि हमने यहाँ पे एक बहुत अच्छा कोई रेस्टोरेंट है वहाँ पर कैंडल लाइट डिनर बुक किया था अपने लिए, और काफी फेमस है यहाँ का रेस्टोरेंट। लेकिन संभावना के पेट में काफी दर्द हो रहा है तब से ही, क्योंकि वो बहुत यूज टू नहीं है, डाइट पे है, तो 2-3 दिन से बाहर का खाना खा रही है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, तो उसके लिए दवाई लेके आया हूँ मैं अभी। अभी दवाई खाई है और मैंने चेंज भी कर लिया। मेरी पता नहीं क्या हुआ, शायद मैं यूज टू नहीं हूँ ना बाहर के खाने की, तो एकदम से बर्गर खाया ना, मेरे बहुत ज्यादा पेट में ना क्रैम्प्स उठ रहे हैं। दवाई खा ली है मैंने यहाँ पे, थैंकफुली दवाई मिल गई है। मेरे को रेस्ट चाहिए क्योंकि कल मैं बेबी के साथ थोड़ा सा फ्रेश उठूंगी और फ्रेश ब्रेकफास्ट पे आप लोगों को मिलूंगी। तब तक के लिए गुड नाइट एंड हैप्पी एनिवर्सरी टू अस। डिनर प्लान कैंसिल, ये प्लान कैंसिल, सब प्लान कैंसिल। एक सेकंड, सब कुछ करती हूँ मैं, उसके बाद अगर एक इंसान के थोड़ा पेट में दर्द हुआ तो इस तरह से नहीं करते। थोड़ा तो नहीं हुआ पेट में दर्द, जैसे आप इधर उधर कैंडी की तरह भागी रूम में। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं उठ चुका हूँ। संभावना पीछे आपको अगर दिख रहा होगा, पता नहीं सॉरी अभी भी मतलब उठ चुकी है, लेकिन वो जो लास्ट का उसका एक होता है ना सुबह उठने से पहले फाइनल नींद, वो मार रही है वो। और मैं यहाँ आराम से वुड्स में खड़ा होके बाहर अपनी कॉफी पी रहा हूँ। थोड़ी देर में हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए जाएंगे। और अब पता चल रहा है कि जो रैपलिंग में चोटें लगी थी कहाँ लगी थी। हाथ का अंगूठा नहीं मुड़ रहा, पैर की उंगली नहीं मुड़ रही, पीठ में काफी दर्द है। संभावना ठीक है तो संभावना का पता करके बताता हूँ उसके साथ क्या क्या हो रहा है। ये रही मेरी कॉफी और ये रहा कॉफी के आस पास का नजारा। अभी उठ जाओ। उठ चुकी हूँ। अच्छा, एकदम रेडी हूँ मैं। रेडी भी हो? मतलब गुड मॉर्निंग गाइस। कहाँ है गाइस, कहाँ है, दिख रहे हैं तुम्हें? तुम वॉकिंग कर रहे थे ना, सुन लिया था नहीं क्या है ना। और तुम्हें अब मेरे को 6-7 जगह नई नई दर्द पता चली है बॉडी में, तुम्हें पता चली है? मेरे को तो सब कुछ पता लग गया। मतलब उठ ही नहीं पाओगी तुम? कॉफी गर्म करूं? बेबी खिड़की मत खोलो, बेबी खिड़की मत खोलो, बंदर है। अरे तो बंदर है तो क्या करेगा? बेबी यहाँ पे लिखा हुआ है कि खिड़की दरवाजे बंद रखें। हेलो हेलो, क्या पता तुम्हारे ऊपर ही एक उसका दोस्त बैठा हो, आ जाए फटाक से। तो चल जाओ नहाने। क्या है बेबी, को बंदर से खेलना था। ये बैठे और तिरकी। हेलो, कुछ खाएगा? मैं दूं? रुक। नहीं नहीं बेबी, खाने को कुछ नहीं देना। दे नहीं नहीं बेबी, थोड़ा सा खोल। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा खोल ले। तुम मत डरो, मैं हूँ ना। नहीं बेबी, नहीं नहीं। अरे बेबी मैं हूँ। बेबी पहले तुम खाना, फिर कुछ खाने के लिए ले आओ, फिर खोलो। ऐसे ऐसे बात करने के, बेबी दोनों एक साथ खुल जाएंगे दरवाजे। बहुत डरते हो यार। पहले निकालो बेबी, मैं क्या कह रहा हूँ, मत दो यार, नहीं तो सबकी भीड़ लग जाएगी यहाँ पे। एक मिनट रुको रुको, मैं खोलूंगा, तुम फेंकना मैं बंद कर दूंगा। खोलो ना बेबी। बेबी दोनों एक साथ खुल जाएंगे बेटा। फेंक दो बेटा। खाएगा? फेंक दो बेबी, फेंक ले, देखने दो बेबी। ऐसा बेबी काट लेगा, बेबी काट लेगा, बेबी वो बेबी जंगली है वो। ये ले, और भी आ रहे आ रहे। हाँ आवाज आ रही है। तुम इतना डर का रहे हो बेबी, अंदर ना आ जाए ना ये देखो। अरे यार एक और आ गया। अभी मत खोल बेबी, यहाँ मत खोल, अंदर आ जाएगा, पहले इसको दूर जाने दो। तुम बहुत डरपोक हो बेबी। और भी आ रहे हैं, वो देखो कौन से आ रहे हैं। ओह शिट, ले बेटा खा। बस अब नहीं देना बेबी, चलो जाओ नहाने जाओ। देखो मजे ले रहे हैं मूंगफली के, जाओ नहाने जाओ। क्या बेबी मजे लेने दो। बेबी लेट हो रहे हैं बेबी लेट। हम लोग चल पड़े हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। गाड़ी ले जाने की जरूरत तो नहीं है? नहीं नहीं, पास में है, अगर बारिश तेज हो गई तो तुम भाग के छाता ले आना, मैं वहीं खड़ा रहूंगा। अरे आज तो मेकअप थोड़ा ज्यादा हो गया। जैसा बंदर आया था ना ऊपर। ना नहीं है, पता नहीं चला होगा, अंधेरे में ज्यादा कर दिया, मां पाउडर ज्यादा। अंधेरा बहुत है ना रूम में। हाँ। उस वजह से दिक्कत हो रही है। ये क्या अग्निवर्षा पहना हुआ तुमने? बारिश को सिर्फ आग ही बुझा सकती। ये लग रहा है गेम ऑफ थ्रोन्स का ड्रैगन जा रहा है, पता है।
खलीसी का ड्रैगन, खलीसी के ड्रैगन। अरे यार कितना सुंदर है यार। क्या किसकी बात हो रही है? अब ये सब इतना सुंदर है तो देखने को नहीं मिल रहा। करना बहुत कुछ है, पूल इतना बड़ा है। मेरे को लगता है इधर बंदर बहुत नहाते होंगे। हाँ 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 हाँ, पूरे मार देते होंगे, मजे लेते होंगे पूरे। वो नहीं सुनेंगे किसी की, बंदर नहीं सुनता किसी की। वो तो मुझे पता ही है, मेरे साथ है एक। सांप की मौसी है? हाँ। ये तो बड़ी डेंजरस है बेबी। हाँ। गिरगिट है ना ये? नहीं नहीं, ना ये गिरगिट है ना छिपकली है, कुछ और है ये। ये अंदर से और लंबी है, पता है, छोटी नहीं है ये, ये देखो। हाँ, ओहो, ये अलग जंगली छिपकली है बेबी ये। पकड़ू? अरे पागल हो गई हो? पूंछ से पकड़ लेती हूँ ना। चलो चलो, हमारा ब्रेकफास्ट हो गया, उसका नहीं हुआ है, हमें ना खा ले। तुम बहुत डरते हो बेबी। लाली कुछ ज्यादा लग गई है। नहीं बोलते बेबी। क्यों? मैं गालों की लाली। उठो बेबी, पूरी पैकिंग कर दी मैंने यार। तुमने कर दी है, मैंने नहीं कराई। अच्छा वो बोल दूंगा तो उठ जाओगी? सब कुछ तुमने किया, अब उठोगी? चलो अब बेबी, हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप होगा ना, अब वो सीधा हमारा फूड कोर्ट स्टारबक्स पे होगा। इसके बीच में कहीं रुकने के लिए बोलना मत मेरे को। मैं तो कहीं नहीं बोलूंगा। उठने का दिल ही नहीं कर रहा बेबी। मेरे कान में ना ऐसे झक 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 करके आवाज आ रही है। भले एक आती थी ना, अभी तीन आ रही है। मैं कह रहा हूँ लंबी गाड़ी चलानी है, ट्रक ड्राइवर की तरह गुटखा डाल लूं मुंह में और क्या खेस दो उस्ताद जी, गाड़ी खेस दो उसके बाद। गुटखा कहाँ से उठाना उस्ताद जी? वाओ बेबी, ये भारत माता का ये तो स्टैचू, जाते हुए तो नहीं आते हुए तो नहीं दिखा। रुकना रुकना रुकना, दिस इज लवली यार। वाह वाह, सुपर्ब। बाकी चीजें भी तो वाह वाह होनी चाहिए थी। हाँ ये तो है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि मैं रहने नहीं आई हूँ, आई एम वर्किंग हियर। क्योंकि सारा काम हमने किया है ना। ये तो यार एक्सपीरियंस तो मेरा भी काफी अच्छा नहीं रहा। सर्विसेज जो है ना, बहुत अच्छी सर्विसेज। अगर अच्छी नहीं होती सारी चीजें आपकी, डटे कु में जाती है। डटे कु, चल चल एग्जिट करें। इन्होंने ना, इनको, इनके पास स्टाफ नहीं है, बता दूं। स्टाफ है लेकिन वो अपने आप को भी नहीं संभाल पा रहे। देखा नहीं तुमने बंदे को? मैंने कहा आप यहाँ पे जो कर रहे हो छतरी पकड़ के। हाँ। ना तो वो छतरी दे रहा था मैं, ना ही हमारा सामान पकड़ा। कि मतलब बारिश से ही बचा दे। हाँ, कुछ नहीं। तो जी रास्ते में पड़ गया टाइगर्स पॉइंट और यहाँ पे है जबरदस्त बादल। तो हम सोच रहे हैं कि एक पांच मिनट यहाँ रुका जाए, चाय मिल जाएगी तो चाय पी लूंगा। तुम चाय पी लेना। बैक कर, अच्छे से दबा दो गाड़ी। दबा दू मतलब अंदर को दबा। ये तो लग रहा है हम कोई दूसरे ग्रह पे आ गए। हम पापा मम्मी के साथ भी आए हुए यहाँ पे, लेकिन तब बारिशों का टाइम नहीं था ना। हाँ, इस समय बारिश भी नहीं हो रही है, धुंध लग रही है। चाय पिएंगे भैया, लेकिन अगर चाय हम मुझे खुद को बनाने दोगे तो बनाए दोगे? चाय दूध की बनती है, पाउडर डालते हो? पाउडर डालते हो? फाइनली हमारे उस्ताद जी ने गुटका दबाया और सीधा पहुंचा दिया हमें स्टारबक्स वन गो में। इतनी सुपर गाड़ी चलाई है मैंने कि आप मान नहीं सकते, मैंने इतनी सुपर गाड़ी चलाई है। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। इतनी कंधा टूटा हुआ है लेकिन फिर भी मैंने रगड़ दी गाड़ी। रगड़? आगे से कटना है वो बोर्ड लगा ना ग्रीन वाला। हाँ कट जाऊंगी, कट गई। लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। अरे मार जाए भाई, मार जाए लेफ्ट। फूड कोर्ट, फूड कोर्ट जब से मैप में डलवा रही हूँ, दैट इज फूड प्लाजा। ओके इट्स ओके। मास्क लिया अभी मैंने, उन्होंने कहा कि बहुत कुछ
तो इसमें पता नहीं क्या केमिकल और क्या कर देगा ये। अरे जो कर देगा भी ये कूड़े में होगा। देखो N95 तो सुना था, M95 है। हाँ तो मतलब समझ लो वो N था, ये M है, तो वो सीधा ही तुम बता रहे हैं ये M95। ठीक है हम लोग पहुंच गए घर और आए घर पे। हमने फोन किया लैंडलाइन पे, फोन करते ही कैंडी उठ गई, उसको समझ में आ गया लैंडलाइन बजाए मतलब आ गए दोनों को। पता लग गया है 100%। मैं इतनी एक्साइटेड हूँ मेरे बच्चे से मिलने के लिए, मैं तड़प रही हूँ। एक्चुअली क्या होता ना, ट्रिप कुछ भी कितना भी वो हो, बच्चों के बिना मेरे को मजा नहीं आता, क्योंकि उतना बच्चों को मैं बहुत मिस करती रही हूँ। पता चल गया था उसको, गुस्सा कर रही है, गुस्सा कर रही है। बहुत गुस्सा आ रहा है प्यार, इतना आतंक में क्यों बदल गया बेबी, प्यार आतंक में क्यों बदल गया? वो देखो हाँ दांत मार रहा, दांत मार रही है। मैं मुंबई मना नहीं कर रही हूँ। जी अविनाश तो जा रहा है अपनी मीटिंग पे, आते ही सर तैयार हो गए हैं, अपनी चाय वाय पी है। मेरी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है जिसके लिए ही शायद हमें जल्दी आना पड़ा वहाँ से, शायद ही जल्दी आना पड़ा कि जल्दी आना पड़ा वहाँ से। और मैं बहुत थैंकफुल अपने बेबी का जिसने इतनी जबरदस्त गाड़ी चलाई उस्ताद जी ने गुटका दबा के कि मुझे टाइम पे घर पहुंचा, मीटिंग कर पाऊंगा। भी तुम जाओगे, मैंने अपना अटैची वगैरह सब खाली कर दिया। मेरे यहाँ से पहले सो तो नहीं जाओगे घोड़े बेच के? नहीं नहीं मैंने अभी तो खाली किया सब कुछ, अभी लगाना है। और ये जो 16 शबनम पहना है उतार देना है वे अच्छी करके आना मीटिंग, ठीक है? जत है हमारी अब अच्छी, मतलब क्या मुंह चाट लूंगे सामने अच्छी मीटिंग क्या होता है चेहरी की तरह उसका मुंह चाट लेना सर, आई एम इंस्पायर्ड फ्रॉम माय डॉग। तो जी अविनाश तो चला गया है अपनी मीटिंग के लिए, जैसा आपको बोल के गया। पता नहीं कितना टाइम लगेगा उसको आने में, आई थिंक इसको आज 2 घंटे और लग जाएंगे। पूरा सामान निकाल के सेट हो चुका है घर का, मतलब जो भी गीले कपड़े थे, जो भी धोने वाले कपड़े थे, जो भी रखने वाले कपड़े थे, सब कुछ सॉर्टेड कर दिया। और अब बैठ कर मैं आराम से अपनी चाय पी रही हूँ मेरी चिट्टी के पास। चिट्टू नहीं छोड़ना मम्मा को, चिट्टू नहीं छोड़ना मम्मा को, साढ़े 11 हो गए, अविनाश का कुछ पता नहीं है। मैं चली सोने, आपको मिलती हूँ मैं कल अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन आप मुझे माफ कीजिएगा क्योंकि अब हम थक चुके हैं, लेकिन थक के आ गई तो जीत है ना, मतलब थकावट के आ गई तो उजाला है ना। तो हम लोग कल उजाले में मिलते हैं। मेरा कोको मेला छोनू, मेरा चिट्टी, शेष गुड नाइट।